हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे। देखिए एज की जो एज रिलैक्सेशन वाली जो बात चल रही थी, यानी कि आपको छूट नहीं मिली, जिन भी भाई बहनों को जो ओवरेज हो गए उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है कि आपकी जो बात है आपके प्रदेश के, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन तक बात पहुँच रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता, जो सबसे खुशखबरी वाली बात यह है कि मतलब एक दो दिन में ही, जिस दिन से नोटिफिकेशन आया, ये बात इतने लेवल तक पहुँच गई है कि अब आपका साथ सभी मंत्री, सभी सांसद और आपके विधायक, चाहे भली वो आपकी विधानसभा के हों, लोकसभा के सांसद हों, कोई भी हो, सभी आपका साथ दे रहे हैं। और इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ही जानिए कि आपके साथ अन्याय हो जाए नहीं, पूरी उम्मीद है कि आपकी छूट को लेकर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जो भी करेगी भलाई के लिए, कुछ ना कुछ आपके लिए निकालेगी, ठीक है। और कुछ नोटिस मैं आपको दिखाता हूं यहां कि जो लेटर हैं जो कुछ सांसदों के और कुछ मंत्रियों के द्वारा, कुछ विधायकों के द्वारा आपकी गवर्नमेंट के पास, यानी कि आपके प्रदेश की, हमारे प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वर्तमान, उन तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी मैं आपको एक एक करके पढ़ के तो प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि जो कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी साबित हुई है। देखिए मैं आपको बताता हूं एक एक करके कौन कौन सा लेटर है, किस किसने आपका जो साथ दे रहे हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी और साथ देने के लिए आएंगे, बस आप किसी भी तरीके से रुक मत जाना। चलिए मैं अब आपको उनको लेटर को एक एक करके आपको दिखाता हूं। आप यहां देख सकते हैं प्रसन्न कुमार विधायक जो कि विधानसभा शामली उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल, ठीक है। ये आप यहां डेट देख सकते हैं, यहां नीचे साइड में डेट लिखी हुई है, यानी कि 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर 2023 को है। अब मैं इसको नीचे पढ़ के दिखाता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने। श्री योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, विषय क्या है इसमें, इन्होंने लिखा है विषय कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में आयु सीमा में छूट देने के संबंध में, ठीक है। इन्होंने यहाँ नीचे लिखा है कि महोदय सार अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पदों पर अंतिम बार भर्ती 16 नवंबर 2018 को आयोजित हुई थी। इसके पश्चात विगत 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पदों पर कोई भर्ती आयोजित नहीं की गई है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा में 18 से 22 केवल 4 वर्ष निर्धारित है। इस प्रकार विगत 5 वर्षों में से उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में युवा बिना पुलिस की भर्ती देखे ही ओवरेज हो गए हैं और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनके माध्यम से ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की भर्ती के आवेदन 27 दिसंबर 2023 से शुरू होंगे, अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान करने का कष्ट करें। यहाँ नीचे लिखा हुआ है आपकी महान कृपा होगी, धन्यवाद। देख सकते हैं उनकी मोहर लगी हुई है, साइन हो रहे हैं भवदीय प्रसन्न कुमार, ठीक है। ये आपका दूसरा लेटर है जो कि डॉक्टर संजीव कुमार बालिया ने लिखा है, इनको आप जानते ही होंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं इस चीज की। ये आपको पता है राज्य मंत्री मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली, यहां आप ऊपर देख सकते हैं। इन्होंने नीचे लिखा है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर, यानी कि उन्होंने वही चीज लिखी है कि पिछली भर्ती इतनी डेट में हुई थी और 18 से 22 केवल 4 वर्ष निर्धारित हैं, इसमें 5 वर्षों उसमें से कोई भी भर्ती नहीं हुई है। यानी उन्होंने लिखा है कि 23 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 60,244 पदों पर जो विज्ञप्ति आई थी उसकी जो डेट है 27 दिसंबर से, उसमें बच्चों को आयु की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इन्होंने भी नीचे यहां लिखा हुआ है कि अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आरक्षी भर्ती में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान करने की कृपा करें, यानी कि जो भी कह रहे हैं सब 3 वर्ष की करिए। लेटर लिखा है जयंत चौधरी, संसद सदस्य, ठीक है, राज्यसभा, इनको आप जानते ही होंगे। इन्होंने भी लिखा है 24 दिसंबर की डेट है, आप यहां देख सकते हैं। इन्होंने भी लिखा है श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, इन्होंने भी सब कुछ वही लिखा है, यानी कि 23 दिसंबर 2023 के समाचार पत्रों में यू पुलिस में भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हुआ जिसमें आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई और यू पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22, और इन्होंने ये भी लिखा है प्रदेश में पिछली भर्ती 16 नवंबर 2018 में हुई थी और यहां पर जो अब नई भर्ती है, इस तरह 5 वर्षों के दौरान पुलिस में कोई भर्ती न होने के चलते प्रदेश में लाखों युवा इस आयु सीमा से बाहर हो जा चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने इस तथ्य को भी देखते हुए इस अंतराल में देश के लाखों युवाओं की मौजूदा भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग एकदम औचित्यपूर्ण एवं न्यायसंगत है, ठीक है। इन्होंने ये भी लिखा है, यानी जो मांग कर रहे हैं वो एकदम औचित्यपूर्ण एवं न्यायसंगत है। और इन्होंने नीचे ये लिखा है कि मेरा भी ऐसा मानना है कि प्रदेश के युवाओं को भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान की जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश के युवाओं की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, मौजूदा भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान करेंगे। और यहां आप नीचे देख सकते हैं कि आपका जयंत चौधरी, ठीक है, ये उनके साइन है, ठीक है, धन्यवाद। तो साथियों ये बहुत बड़ी आप सबके लिए खुशखबरी, आप पूरा लेटर यहां देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम ऑफिशियल लेटर है। साथियों अब आप देख ही चुके हैं आपका सभी साथ दे रहे हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे आपके कोई भी सांसद हों, विधायक हों, यानी कि राज्य से लेकर केंद्र तक आपके सभी साथ हैं। और जो भी भाई बहन यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चक्षु प्रकाशन की न्यू बुक आई है अभी आपके सभी के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल के लिए है, इसकी स्टडी गाइड बुक है, प्रैक्टिस सेट भी है इनके, इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से आपको दिया गया है। इस बुक में आपको 3 से 3,500 प्रश्न मिल जाएंगे और 100 पेपर भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, इनको भी आप लगा सकते हैं, इसमें भी आपको 2,500 प्रश्न मिल जाएंगे और इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ये दोनों बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार की गई है। अगर आपको लेनी हो तो इसकी लिंक मैंने ऑनलाइन लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो किसी भी
बुक स्टोर पर आपको ही मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं, आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए, गहनता से डूब जाइए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है अगर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं अगर उसी हिसाब से उसी टाइम पर हो गया तो आपका एग्जाम निकालना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई पर ध्यान देना है, पीवाईक्यू को देखते चलिए, अपनी पढ़ाई करते चलिए, किस किस तरीके से क्या पढ़ना है, सिलेबस को अपनी टेबल के सामने बिल्कुल चिपका लीजिए और डूब जाइए अपनी किताबों में, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपकी वर्दी मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि हमारा जो सपना है ना हमारे नोटिफिकेशन आने से पूरा नहीं हो जाता, हमारा जो सपना है वो तैयारी करने से ही होगा। साथियों आज की जो गुड न्यूज थी मैंने आपको दे दी, एज में जो आपकी जो छूट मिलने के चांस है वो बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि अब आपको छूट मिल सकती है, और जो भाई बहन इसके लिए एलिजिबल है यानी कि जो ओवरेज नहीं हुए वो अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करें। और भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके बताएं, हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और मिलेंगे नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।